वेलकम टू विषय अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। इन क्लास ए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड आवर टॉपिक इज प्लेइंग आफ्टर नंबर। फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग 3 IA - CBA = 183। हमें फाइंड करना है सी वैल्यू ए बी एंड सी की। सोल्यूशन, सिंस ए माइनस ए इक्वल टू 3 देन 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 देन ए इज 1 सो ए इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब क्या है? ये 5 से कैरी लिया होगा तो 5 से कैरी लेगा क्या होगा यहाँ 11, 11 से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 3। अब यहाँ पे क्या है 4। अब देखिए 4 से क्या माइनस करना होगा 8 आ जाएगा, तो यही सोचना होगा ये हो जाएगा 14 क्योंकि इससे कैरी लेगा 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। 14 से 6 को माइनस करें तो 8 आएगा, इसका मतलब क्या होगा सो बी की वैल्यू किससे इक्वल है 6 से। सिमिलरली यहां देखें, यहां पे कौन सा डिजिट हो जाएगा कैरी चला गया है या क्या होगा 2। 2 में से क्या माइनस करेंगे 1 आएगा, लेकिन 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ C की जो वैल्यू होगी क्या होगा 1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि A की वैल्यू है, A की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू क्या है 6 एंड C की वैल्यू क्या होगा 1। इसी तरह से देखिए यहां ऐड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ A B एंड C इन विच द फॉलोइंग 4 CB 6 + 3 6 9 A और रिजल्ट क्या आया है 8 1 7 3। इसका सॉल्यूशन देखें, सिंस अब देखें 6 में क्या ऐड करें कि 3 आ जाएगा तो 6 + 7 = 13। यहां पे 6 में अगर 7 ऐड करें तो क्या आएगा 13, यहां क्या आएगा 3 होगा। मीन्स का मतलब क्या हुआ एक किलो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 7। अब देखें यहां पे कैरी है आ चुका है, कैरी है तो यहां 1 कैरी है, 1 में 9 ऐड कर लें तो 10 होगा। अब 10 में क्या ऐड करें इससे बना जाएगा 10 + 10 + 7 = 17। सो इसका मतलब क्या होगा बी की जो वैल्यू होगी इसके इक्वल होगा 17। अब यहां कैरी आ चुका है, 1 कैरी आ चुका है, 1 में 6 ऐड करें 7 में क्या ऐड करें 1 आएगा 7 + 4 = 11। शो अब देखें 7 में 4 ऐड करने पे क्या है 11 आया है, इसका मतलब क्या हुआ सी की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी 4 के। यहां देखें एक कैरी हुआ तो 4 में 3 ऐड करेंगे 7 × 1 = 8, हेंस A = 7 B = 7 and C = 4। इस तरह से हम प्लस और माइनस अननोन वैल्यूज को हम इसलिए
क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।